नमस्कार, यूपीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सूरम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। संवाददाता गया रामचंद्रवंशी की रिपोर्ट। उज्जैन नागदा खबर। एक बार फिर समाज के चौथे स्तंभ के कारण पीड़िता को मिला न्याय। दरअसल ये मामला बिरला ग्राम थाना क्षेत्र में आने वाले रेलवे कॉलोनी का है। यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले केदार मीना नामक रेलवे कर्मचारी का भांजा गोलू आया था। गोलू के द्वारा लगातार नाबालिग बच्ची को परेशान किया जा रहा था, जिसके एक दिन आरोपी गोलू के द्वारा नाबालिग बच्चे को घर पर अकेला पाकर घर में घुसकर के आरोपी के द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। और 356 इसमें लड़की कथन हो गए हैं या फिर बाद में होंगे सर? इसमें हो गए सर। इसमें सर विशेष रूप से जो इन धाराओं में सर प्रकरण दर्ज किया है, इसके अंतर्गत क्या पहले भी पूर्व में ऐसा प्रयास कर चुका है क्या लड़का? पुरुष का कभी जानकारी भी नहीं आया उसमें, ऐसा पुरुष का तो नहीं बताया, पर ये यही घटना है जो उसको पीछे आगे पीछे जाती थी, उसको परेशान कर रहा था। क्योंकि एक दिन वो जब अकेली थी उसकी माँ बाजार गई थी, तब जाके उसने घर में उसको उसके साथ छेड़छाड़ की, क्योंकि उसका मामा जिसके वो लड़का रहता था तो उसने भी आके उसको धमकी दी थी। गोल के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है इसमें। सर गिरफ्तारी शेष अभी? हाँ, गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है।